इस वीडियो में हम लोग आपको नाइट विजन वाईफाई सर्किट कैसे यूज़ करना है, उसको उसके अंदर नाइट विजन कैसे ऑन होता है, कौन सी उसकी ऐप है, एसडी कार्ड में कैसे रिकॉर्ड करता है, उसको सेटअप कैसे करना है, वो सारी डिटेल इसके अंदर बताएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइस है, ऐप जो है इसकी वो है लुक कैम। तो वो ऐप के आपने पहले डिवाइस को यूज़ करना है, तो उससे पहले आप ऐप अपना जो है लुक कैम वो डाउनलोड करके रखिए। ऐप का आइकन आपको दिखा देते हैं हम लोग। ऐप का नाम जो है वो है लुक कैम। तो ये ऐप आपने डाउनलोड करके रखनी है। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स आपसे अलाउ करने के लिए मांगेगा, तो उनको आपने अलाउ कर देना ताकि वो फिर डिवाइस से कनेक्ट हो पाए। तो अब आपको मैं डिवाइस दिखाता हूँ। ये हमारा कस्टमर केयर का कार्ड है। अगर आपको वीडियो देखने के बावजूद अगर आपको लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू आ रहा है, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं कैमरे की फ़ोटोग्राफ के साथ। दिए गए टाइम के हिसाब से आपको उसका रिप्लाई आएगा विद सॉल्यूशन। आप कैमरे की फ़ोटो के साथ मैसेज टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें भेज सकते हैं, हम लोग उसको हिसाब से आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको इशू का सॉल्यूशन क्या है। और अगर आपने डिवाइस हमारे ब्रांड का लिया हुआ है, ओरिजिनल ब्रांड का लिया हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि हम लोग डिवाइस को टेस्ट करने के बाद ही कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक बैटरी मिलेगी ये वाली, साथ में ये सर्किट है नाइट विजन वाला, ये मिलेगा आपको। आगे आप देखेंगे इसके आईआर लगे हुए हैं नाइट विजन वाले, ठीक है। मैनुअल मिलेगा अगर आपने इंग्लिश में आपको सेटअप करना है। साथ में ये वायर मिलेगी चार्जिंग केबल। तो सबसे पहले आपने इसको बैटरी के साथ अटैच करना है। तो ये क्लिप दिया हुआ है, इसको ऐसे आप अटैच कर दोगे। ये देखिए ये अटैच हो गया, यहाँ इसकी लाइट आ रही है। अगर ऑन है तो लाइट आएगी, यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। इसको मेमोरी कार्ड का यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है, चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर रीसेट का स्लॉट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, इसमें आप 16 GB, 32 GB, 64 GB मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग वाला पॉइंट है, इसके बिल्कुल साथ ये लेफ्ट राइट हो जाता है, ये ऑन ऑफ का बटन है। अगर ये मेमोरी कार्ड की तरफ स्लॉट की तरफ है तो ये ऑन है, लाइट आ रही है। अगर दूसरी तरफ करेंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, ये लाइट बंद होगी, ठीक है। और इसके बिल्कुल साथ में ये रीसेट का पॉइंट है, जो बिल्कुल छोटा सा बटन दिया हुआ है। अगर कैमरे में कोई भी इशू आ जाए तो आप कैमरे को ऑन करके रीसेट वाले बटन को 2 से 3 मिनट तक प्रेस करके रखते हैं कॉन्टिन्यूस, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाता है, रीसेट हो जाता है। कभी आपका पासवर्ड भूल गए या कोई भी सेटिंग आपको सीरियल नंबर नहीं आ रहा, वो आगे आपको बताएंगे हॉटस्पॉट क्या है इसका, तो उसको सेट करने के लिए आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आपने चार्ज करना है, ऑफ करके चार्ज करना है। चार्ज आप इसको 2 से 2.5 घंटे चार्ज कीजिए, फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद लगभग 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप रहता है इसका। टाइम के साथ बैटरी बैकअप कम होता जाता है, क्योंकि लिथियम बैटरी होती है, टाइम के साथ वो बैटरी बैकअप कम होता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर 4 घंटे चल रहा है तो महीने बाद 2 महीने बाद ये 4 का 3.5 घंटे 3 घंटे रह जाएगा बैटरी बैकअप। और अगर इन फ्यूचर आपका बैटरी ख़राब भी हो जाता है तो हम लोग से आप एक्स्ट्रा बैटरी भी ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं बैटरी भी, हमारे पास बैटरी आपको मिल जाएगी। कोई भी इसमें आपको इशू लगे तो वो डिवाइस हमने जो भी आपको पार्ट इसमें ख़राब हो जाए तो वो आप हमसे अलग से भी ले सकते हैं। मीन्स आपको जैसे ये वाला मॉड्यूल अगर ख़राब हो गया है पूरा आगे वाला, तो ये अलग से मिल जाता है। बैटरी ख़राब हो गई अलग से मिल जाता है। डाटा केबल आपको नहीं मिल रहा तो वो अलग से मिल जाता है। तो हमारे पास इसके एक्सेसरीज भी रहती हैं। आपने एक चीज़ आपको इसमें बताते हैं कि जब ये चार्ज होगा या यूज़ होगा तो ये बिल्कुल हीट करेगा, आग की तरह तपता है ये। तो क्योंकि ये सर्किट है, बिल्कुल इसके ऊपर एक ये लेयर लगा हुआ है, पीसीबी है, तो ये बिल्कुल गर्म होगा आग की तरह। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये गर्म हो रहा है या ख़राब ना हो जाए, कभी ये ऐसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप इसको यूज़ कीजिए, गर्म हो रहा है उसमें, उसकी वजह से ये कभी ख़राब नहीं होता। आप इसको चार्ज करते समय भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का चार्जर के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करते समय आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं ऑन करके। जब आपने अगर बैटरी को चार्ज करना है तो ऑफ़ करके चार्ज करना है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं साथ में तो ऑन करके चार्ज कीजिए। अब इसमें हम लोग सेटअप करेंगे। ये जो पार्ट्स हैं इसके, इनको आपने कभी ऐसे बिल्कुल आराम से यूज़ करना है, इसको कभी इस यहाँ पर जोर नहीं देना है ताकि ये इसमें से निकले नहीं। ये सोल्डिंग्स हो रखे होते हैं। इस डिवाइस का सबसे मेन जो पार्ट है वो यही है कि इसको बड़े आराम से आपने यूज़ करना है, कभी इसको खींचातानी नहीं करनी ताकि इसमें डिवाइस डैमेज ना हो जाए। अब ये डिवाइस हमने पहले से चार्ज किया हुआ है तो हम लोग इसको पहले ऑन कर देते हैं। जब हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं तो आप यहाँ से देखेंगे आपको रेड और ब्लू कलर की लाइट इसमें
दिखाई देगी। अब जो कैमरे का अपना हॉटस्पॉट है, ये दो तरीके से चलता है। एक इसका कैमरे का अपना हॉटस्पॉट है, इसका अपना जो सीरियल नंबर है उससे कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी जो रेंज रहती है वो 4-5 मीटर की रेंज होती है, उससे कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी इंटरनेट। और दूसरा मोड यही है कि इसको किसी इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वाईफाई से, डोंगल से, या कोई दूसरा फ़ोन रखा हुआ उसका हॉटस्पॉट ऑन करके उससे कनेक्ट करना है जो इसके पास रहेगा। तो वो कैसे होगा वो सेटिंग्स हम लोग आपको सारी बताएंगे। नाइट विजन भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐप आपने पहले से डाउनलोड करके रख ली लेनी है, उसको अलाउ करके रख लेना है। मोबाइल डेटा अब आपने ऑफ कर देना है अपने फ़ोन का। जब हम लोग ये सेटिंग कर रहे हैं तब अपने मोबाइल डाटा जो है वो अपना ऑफ कर लेना है। ये हमारा वाईफाई है जिससे पहले से कनेक्टेड है, इसको भी आप चाहो जो आपका वाईफाई हो अगर उससे कनेक्टेड है तो आप उसको फॉरगेट कर दीजिए, ठीक है। अभी ये कनेक्टेड है, हमारे अपना जो वाईफाई लगा हुआ वाईफाई इसके अंदर चल रहा है पहले से ही, तो ये यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है जो हमारा वाईफाई है। अब हमने देखना है क्या है इसके अंदर, जो मेन है कि इस डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ जनरेट होकर आ गया है। अगर ये 2-3 मिनट के अंदर नहीं जनरेट होता, 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद, तो आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए मैंने आपको बताया वो रीसेट वाले बटन को आपने 2 से 3 मिनट तक प्रेस करके रखना होता तो रीसेट हो जाता है, बट अभी रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीरियल नंबर हमारे पास यहाँ पर सामने आ चुका है। तो यहाँ पर वो जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है ब्लू कलर की, ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग इस सीरियल नंबर से इसको क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सीरियल नंबर से वो कनेक्ट हो रहा है, क्वालिटी चेक हो रहा है, ये लुक कैम का सीरियल नंबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैसेज आया है मेरे पास, कीप वाईफाई का। ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि ये मैं इसको पहले क्लिक कर रहा हूँ कीप वाईफाई पर, ये देखिए मैंने कर दिया इस पर। ये हमने क्यों किया है मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो वाईफाई अपना लगा हुआ था ये पहले कैमरा जो हमारा फ़ोन है उससे कनेक्टेड था, जो हमारा फ़ोन है हमारे ऑफिस में जो वाईफाई लगा हुआ उससे कनेक्ट था। अब हमने कनेक्ट किया है किससे, इसके सीरियल नंबर से। इसके सीरियल नंबर से कनेक्ट करने के बाद, जो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के बाद, इस कैमरे के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन हमें मैसेज देता है कि जिस वाईफाई से आपने कनेक्ट किया हुआ उसके अंदर इंटरनेट नहीं है, क्या आप फिर भी चाहते हैं उससे कनेक्टेड रहे। तो हमने इसलिए वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था कीप वाईफाई, कि जो वाईफाई से हमने कनेक्ट किया उसी से कनेक्टेड रहे, जो सीरियल नंबर से कनेक्ट किया उससे कनेक्टेड रहे। तो ये इसलिए होता है, अगर हम लोग डिसकनेक्ट कर देते तो ये अपने आप मेरा जो ऑफिस में वाला वाईफाई है या मेरा मोबाइल डेटा है उस पर अपने आप शिफ्ट हो जाता। तो अब ये आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर से ही कनेक्टेड है और यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऐप के अंदर। ऐप हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, सेटिंग्स आप अलाउ की हुई हैं उसकी। तो अब हम लोग जस्ट सिर्फ ऐप को ओपन करेंगे, ये कैमरा अपने आप ऐड होकर आ जाएगा उसके अंदर। ये देखिए ओपन किया, यहाँ ऐड होकर आ गया, डिवाइस ऑनलाइन है। यहाँ से आपने पहला पहले कैंसिल कर देना है, कैंसिल किया ये डिवाइस ऑनलाइन आ रहा है। ये पूछ रहा है आपको पासवर्ड सेट करना है, तो मॉडिफाई पर जाएंगे, नहीं करना तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है बिल्कुल परफेक्टली सेटअप हो चुका है। अभी ये जो सेटिंग है ये आपका जो कैमरे का हॉटस्पॉट है उससे कनेक्टेड है, वाईफाई से नहीं, जो कैमरे का अपना हॉटस्पॉट है उससे कनेक्टेड है। ये डिवाइस ऑनलाइन तभी आया है क्योंकि ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ इसके अंदर जो ऐप के अंदर दिख रही हैं। पहली सेटिंग जो है वो माइक की सेटिंग है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो जो कैमरे में माइक में वॉइस आ रही है वो इसमें आएगी। कैमरे में जो माइक है वो यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है, अगर देखेंगे सिल्वर कलर का, ये जब भी आप जहाँ भी लगा रहे हैं तो ये ओपन रहना चाहिए ताकि माइक में जो वॉइस हो आपको सुनाई दे। अगर ये बंद हो जाएगा पार्ट तो यहाँ पर आपको वॉइस सुनाई नहीं देगी। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये स्पीकर का ऑप्शन है, कैमरे के अंदर स्पीकर नहीं होता तो ये ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना। इसके बाद ये फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन है, जो भी आप लाइव देख रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करना है तो यहाँ से होगा। अगर आपको लाइव वीडियो क्रिएट करना है तो वो यहाँ से होगा। अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है, वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको इस बटन को ऑन करना है, यहाँ पर ऊपर लिखा आ जाएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। जब ऑफ़ करेंगे तो आपके फ़ोन के ऐप के अंदर ही वो सेव कर देगा। फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, वो भी फ़ोन के अंदर ही ऐप के अंदर ही सेव हो जाएगी। ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़ोटो फ्लिप करने के लिए है। अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो यहाँ पर आ रही है, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसको अगर फ़ोटो को फ़्लिप करना है तो ये बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो फ्लिप हो जाती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये फ़्लिप करने के लिए ऑप्शन यूज़ होता है, ठीक है। इसमें अब ये ऊपर जो सेटिंग्स है, जो ये बल्ब है ब्लू कलर का एक बल्ब दिख रहा है आपको, ये जो इसमें कैमरे में लाइट्स आ रही हैं इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए, ये आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर लाइट आप देखेंगे ऑफ हो गई है, कैमरा चल रहा है,
बट वो लाइट्स ऑफ हो गई है। अब दोबारा प्रेस करेंगे ब्लू लाइट तो वो कैमरे में लाइट ऑन होगी। अगर आप कहीं छुपा कर लगा रहे हैं तो लाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ऑन ऑफ की। इसके बाद ये जो लास्ट वाले दो बटन है ये कलर कंट्रास्ट के लिए, ये आपको इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर सेट है। सबसे मेन फंक्शन इसका नाइट विजन कैसे ऑन होगा, वो जो बल्ब के साथ बटन आ रहा है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्ब के साथ ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला सेकंड वाला, बल्ब के बिल्कुल साथ वाला, इस ऑप्शन को जब आप प्रेस करेंगे, देखिए अब ये कलर आ रहा है, ये आप जब प्रेस करेंगे एक बार तो ये देखिए बिल्कुल लाइट आना शुरू हो गया, नाइट विजन ऑन हो गया। बहुत ज़बरदस्त नाइट विजन है इसका, 4-5 मीटर की दूरी तक ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है नाइट में। लो लाइट होगी तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया आएगा, डार्क होगा तो उसमें भी अच्छा काम करते हैं। तो ये नाइट विजन ऑन हो गया अब इसका। अब जब नाइट ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, नाइट विजन ऑन है, जब आपने इसको नाइट विजन ऑफ करना है तो यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखिए ये कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट विजन इसका ऑफ हो गया। तो ये फंक्शन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाइट विजन वाला। और रेजोल्यूशन जो है कैमरे की क्लैरिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 4K आ रही है, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन है, अगर कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बैक। इसमें जो दो सेटिंग जो और रह गई है, मेमोरी कार्ड वाला सेटिंग, और अगर आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है ऑफिस में या घर में और मैं बाहर से कहीं देखना चाहता हूँ, तो आपको जो घर में जो ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है डोंगल या राउटर उससे कनेक्ट करना तो वो कैसे होगा, और अगर मेमोरी कार्ड डला हुआ है तो उसकी सेटिंग्स कैसे होंगी। तो मेमोरी कार्ड की सेटिंग पहले मैं बताता हूँ आपको। मेमोरी कार्ड आपने जो भी डालना है इसके अंदर ओरिजिनल डालिए, जैसे 16GB 32GB 64GB का, तो ये मेरे पास एक सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड है, मैं ये आपको डाल के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ ऐसे डलेगा ये मेमोरी कार्ड, ये देखिए ये मेमोरी कार्ड इसके अंदर ऐसे डल गया, ये फिक्स हो गया। मेमोरी कार्ड डालने के बाद आपने ऐप में जाना है जहाँ ये ऑनलाइन है, तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आएगी आपकी ये SD कार्ड की सेटिंग। ये सेटिंग कहाँ से आएगी, कैमरे के बिल्कुल जहाँ डिवाइस ऑनलाइन लिखा रहा है, ये लास्ट में एक सेटिंग का आइकन बना हुआ है, ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे सेटिंग का, ये रहा आइकन, ये सेटिंग के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी सेटिंग कैमरे की आ जाएंगी। इसमें ये सेटिंग दी हुई है SD कार्ड की, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखिए मेमोरी नीचे दिखा रहा है आपको कि SD कार्ड के अंदर इतनी फ्री स्पेस है और इतनी यूज्ड है, कितना इस्तेमाल हो रखा है कितना नहीं, वो सब दिखा रहा है इसके अंदर। और अगर मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना हो आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। बाकी बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स इसमें डाली हुई हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, मेमोरी कार्ड लगाया ये आपका काम करना स्टार्ट हो गया। मिनिमम 5 मिनट का वीडियो बनाता है, मिनिमम 5 मिनट का वीडियो बनता है, ये दिया हुआ है। वीडियो ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन है उसको आपने नहीं छेड़ना, वो 5 मिनट है वो 5 मिनट ही रहेगा, उसको आपने नहीं चेंज करना। तो SD कार्ड में भी अब आपका रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो मेन सेटिंग है वाईफाई सेटिंग, कि अगर किसी वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वो कैसे होगा, तो हमने वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है। जो भी आपके वाईफाई होगा घर में जो ऑफिस में लगा हुआ है, वो वाईफाई का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपको डालने के बाद चेक कर लेना है कि सही डला हुआ है, उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर 2 से 4 मिनट वेट करना है, इस स्क्रीन को आपने रिफ्रेश करते रहना है। साथ में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो अब हमने जो अगर मोबाइल डाटा ऑफ किया हुआ था उसको आपने दोबारा से ऑन कर लेना है, या फिर जो आपका वाईफाई लगा हुआ है अगर आपका फ़ोन पहले से उससे कनेक्टेड था तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई के थ्रू, तो आपने स्क्रीन को रिफ्रेश करते रहना है, 2 से 4 मिनट लेगा, ये आपका जो वाईफाई राउटर डोंगल है उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा डिवाइस ऑनलाइन। थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि इसको आप पूरा कॉन्फ़िगर होना है कैमरे के अंदर, वो सेटिंग्स को सेव करना है। ये देखिए डिवाइस ऑनलाइन आ गया। अब ये डिवाइस जो है ये वही पासवर्ड वाली सेटिंग मांग रहा है, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। तो ये डिवाइस जो है अब हमारा जो वाईफाई लगा हुआ है ऑफिस में अभी करंटली, जैसे हमारा एयरटेल का लगा हुआ है, ऐसे आपका जो भी लगा हुआ उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये आपको कैसे पता लगेगा कनेक्ट हो चुका है उससे, आप जाएंगे दोबारा से वाईफाई सेटिंग के अंदर। तो अभी आप यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर जो वो सीरियल नंबर से हमने कनेक्ट किया था वो सीरियल नंबर आना हो गया है बंद।
तो ये कनेक्ट हो चुका है किससे, हमारा एयरटेल वाले वाईफाई से जो हमारे यहाँ लगा हुआ था। ये देखिए वो सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा, एयरटेल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये आपका डिवाइस जो है वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर सीरियल नंबर आना बंद हो जाएगा। अगर आपका फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऑप्शन आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत लग रही है या यूज़ हो रहा है में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। हम लोग टाइम के हिसाब से जो हमारा वर्किंग टाइम है उसके अंदर आपको रिप्लाई करेंगे। वैसे जब आप मैसेज करेंगे तो आपने हमें जो डिवाइस है उसका फ़ोटो और प्लस जो आपका इशू है वो लिखकर भेजना है या वॉइस मैसेज भेजना है। डिवाइस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब चार्ज होता है या यूज़ होता है, अब हाथ में पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट है तो गर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होगा डिवाइस आपका। डिवाइस में आपको जो कनेक्ट करना है वो 4G से कनेक्ट करना है, 5G से नहीं, 4G से। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो इंटरनेट होता है उससे कनेक्ट होगा। वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो डिटेल हो पाए बता पाएँ आपको, हमने आपको बताया है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू।